तो फ्रेंड्स, क्या आपके घर के बाहर रोड बन रही है, या जो सरकार है वो आपके घर के बाहर अगर रोड का काम करा रही है, और या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को बना रहा है, या जो इंजीनियर उस रोड को देख रहा है, तो क्या आपको ये पता है कि वो काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि एट द एंड जो रोड बन रही है वो बन तो आपके और मेरे पैसों से रही है। तो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कुछ 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपके घर के बाहर रोड बन रहा है तो आपको वहां जाना है, सिंपल सी चीजें चेक करनी है खुद, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना, सिंपल सिर्फ देखना है, और आप इजीली पता लगा पाओगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर या सरकार या जो भी वहां काम कर रहा है कि वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटेक कोच पे, और मैं हूं आपका इंटेक कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस, अगर आपके यहाँ रोड जो बन रही है वो काले कलर की है तो उसे हम जनरली बोलते हैं बिटमिन रोड। ब्लैक कलर नॉर्मल हर घर के सामने ज्यादातर यही बनती है। दूसरी होती है कॉन्क्रीट की रोड्स, वो हम कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो वो ब्लैक कलर की रोड बनती है उसमें अगर सपोज करो आपके घर के बाहर जो रोड है उसमें ज्यादा होल्स नहीं है, अगर तो बहुत ज्यादा होल है तो वो रोड अगेन दोबारा ही फ्रेश स्टार्ट से बनेगी, या उसको पूरा उखाड़ेंगे या फ्रेश स्टार्ट से बनाएंगे। बट अगर कुछ होल्स है, ज्यादा होल्स नहीं है, तो इसमें जो यहाँ पे जो दिक्कतें आती है वो ये होती है कि अगर छोटा होल है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी होल किसी भी डायमेंशन किसी में, जैसे स्क्वायर में या गोल शेप में वो टूटा हुआ है या कैसे भी शेप में टूटा हुआ है, तो जो उसको रिपेयर करने का तरीका वो ये है कि अगर वो 1 फुट का गड्ढा जो चौड़ाई में या जो उसकी विड्थ कहेंगे, अगर 1 फुट चौड़ा है तो हमें 2 फुट का एक स्क्वायर बॉक्स उसके चारों तरफ काटना पड़ेगा। जैसे अगर सेंटर से हुआ तो अगर 1 फुट का खड्डा है तो चारों तरफ से, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, तो वो 2 फुट का टोटल होना चाहिए। उसके बाद उसको फिर रिपेयर के प्रोसेस में डाला जाता है। लेकिन जनरली होता क्या है, जो जैसा गड्ढा है उसी के ऊपर वैसा मटेरियल डाला, चिपकाया और आगे निकल लिए। उससे दिक्कतें क्या आती है, जब आप हार्ड ब्रेक्स लगाते हो या जब उस पर गाड़ी का प्रेशर आता है, रोलिंग लोड आता है, किसी भी तरह का लोड आता है, तो रोड जल्दी टूट जाती है और वहीं से अगेन बैठना शुरू हो जाती है। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो होता है कि आपने कभी देखा होगा कि जब रोड बन रही होगी तो उसके आगे आगे एक बंदा होता है जो तारकोल की एक लेयर बिछा रहा होता है, या फिर मैं कहूँ कि एक काले रंग का केमिकल सा डाल रहा होता है। वो एक तरीके का मटेरियल होता है जो रोड को अपनी जगह पे बनाए रखता है, जो हम एक वो लेयर होती है काले कलर की जो हम देखते हैं, वो उसको अपनी जगह पे रखे रखता है। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है कि वो जो कोट होता है, देखो 2 टाइप के कोट होते हैं, एक प्राइम कोट एक टेक कोट। प्राइम कोट वहां डाला जाता है, ये आपको जनरली कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब फ्रेश रोड बनेगा तब प्राइम कोट हम डालते हैं। उससे क्या, मैं बता देता हूँ फिर भी, प्राइम कोट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जैसे जो जो लेयर्स में रोड नीचे से जो बेस बन के आया है उन बेस के गैप्स को भरे, वो होता है प्राइम कोट। ये आपका सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। टेक कोट क्या होता है, टेक कोट सबसे मेन चीज है, ये आपको देखना है कि वो अच्छे से स्प्रे हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बंदे ने स्प्रे डाला ही डाला। क्योंकि जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं रोड बनाने के लिए और रात को सारा रोड बना देते हैं, कोई टेक कोट नहीं, कोई प्राइम कोट नहीं, और सीधा रोड ऐसे डाल के चले जाते हैं। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि हाँ भाई, वो तारकोल उन्होंने डाला है कि नहीं डाला। उसका काम क्या होता है, टैककोट का मेन काम ये होता है, वो तारकोल का जो वो केमिकल डाला जाता है उसका मेन काम ये होता है, जब उस पर रोड की फाइनल लेयर डलती है, वो उस रोड की लेयर को और जो नीचे बेस बना है उसको बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड करता है। सपोज करो आप गाड़ी से चला रहे हो और बहुत जोर से ब्रेक मारा, तो जो रोड है वो जो वैक्यूम के कारण जो सक्शन क्रिएट होता है उससे रोड अपनी जगह से निकले ना, क्योंकि फ्रिक्शन हो रही है और फिर एकदम से ब्रेक लेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा, रोड को उखाड़ते हुए अपने साथ ले आएगा। तो जो हमारा टेक कोट होता है उसका काम ही यही होता है कि रोड को, नीचे जो जमीन है हमारी, उसको एकदम अच्छे से पकड़ के रखते, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट होता है रोलर। अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रोड रोलर होते हैं जो रोड पे चलाते हैं हम, उसको लेवलिंग करने के लिए, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, वो टेक्निकल में मैं जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। इसमें क्या होता है, रोलर कम से कम एक से जो जितने भी रेंज की रोड बनी है उस पर कम से कम 4 बार घूमना चाहिए। जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया उसने, फिर वापस आया, फिर सेकंड राउंड, ऐसे आना जाने में टोटल 4 राउंड होने चाहिए। अब उसमें वाइब्रेटर वगैरह वो सब इंस्टॉल होते हैं, वो सारी इंटेंसिटी उनको पता होती है, उसमें आपको जाने की डिटेल में नहीं है, बट कम से कम 4 बार उसके आगे पीछे होना चाहिए। उससे क्या होता है, रोड जो है वो बिल्कुल प्लेन फिनिश में होगा, कोई अपहीवल नहीं होगी। दूसरी चीज ये होती है, जब रोड रोलर चलता है तो उसके बाद अगर कभी आपने हाईवे पे काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि हाईवे के बीच में ना रोड थोड़ी सी ऐसे ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, प्लेन रोड चल रही है और बीच में से एक लाइन आ गई और ऊपर उठी हुई दिख गई, उसे हम अपहीवल ऑफ रोड भी बोलते हैं। उसका जो कारण होता है, क्यों होता है, वो इसलिए कि जो रोड रोलर चला है वो ढंग से नहीं चला है, या फिर जैसे एक जगह से रोड रोलर गया, उसने एक लेयर को फिनिश किया, फिर दूसरी लेयर वहीं से स्टार्ट करनी, बट किसी गलती के कारण उसने उसको वहां पे रोड रोलर ढंग से नहीं चलाया, तो वो क्या होता है, मटेरियल धीरे-धीरे ऊपर आने लग जाता है। तो अगर आपने नया रोड बनके तैयार हो गया और वो जाने लग रहा है, वहां से काम खत्म हो रहा है, तो आपको बस फोटो क्लिक कर लेनी है,
और अपने पास ही मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है, वीडियो के एंड में देखना, वो मैं बोनस पॉइंट एक तरीके का। तो वो चीज़ देखनी है कि रोड में कहीं अलग से उठी हुई लाइन तो नहीं आई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चूना पाउडर, या फिर मैं कहूँ एक पाउडर होता है एक तरीके का सफ़ेद रंग का। अगर आपने देखा हो कभी रोड बनते हुए, या काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आपने किया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि हाँ आपने भी देखा है। अगर आपने रोड पर कहीं देखा है कि सफ़ेद रंग का पाउडर डला हुआ है, तो आप समझ जाइए कि उस रोड में कहीं ना कहीं कुछ चोरी करी गई है और उसको छुपाने के लिए वो पाउडर डाला गया है। आप उसकी फोटो लो। अब जो मैं पॉइंट की आपको बात बता रहा था मैं बताता हूँ। देखो, गवर्नमेंट ने हमें हर राइट्स दिए हुए हैं, हर चीज़ दी हुई है। तो अगर आप जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया इनमें से आपने कोई भी एक चीज़ नोटिस कर ली और आपने देखा कि नहीं यार यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, तो आपको जनरली वहाँ कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, इंचार्ज या जो भी है उसको बस एक बार जाके बोल देना कि यार मुझे भी पता है, बढ़िया तुम गलत कर रहे हो, और उसको बस एक बार ऐसे डरा देना कि यार मैं तो कंप्लेंट करूँगा। और सिर्फ इस डर के कारण ही वो रोड अच्छी बनाएगा। हो सकता है इंजीनियर्स भी आपके घर है कि सर ठीक है हम रोड अच्छी बनाएंगे, प्लीज़ कंप्लेंट मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हुए। अगर एक आपने छोटी सी भी कंप्लेंट कर दी ना, तो उसके करोड़ों रुपए के जो बिल हैं वो अटक जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना हमें बहुत से राइट्स दिए हैं। अगर फिर भी आप चाहें तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर आपने कंप्लेंट कर दिया और लेटर डाल दिया, तो वो जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सबको जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स के राइट्स बहुत है बट हम कभी यूज़ नहीं करते, और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को पता ही नहीं होता। तो आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको, जैसे आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैं यही काम कर रहा हूँ। अगर आप इंटीरियर करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर सरिया कम ज़्यादा तो नहीं कर रहा, वो कैसे पता लगाना है? नहीं तो आप हमें पर्सनली फोटो खींच के भेज सकते हैं, हम यहीं से बैठे बैठे कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस है, हमारी टीम है। कभी आगे वीडियोज़ में आपको अपनी टीम से भी बुलाऊंगा। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, क्योंकि पैसा हमारा है, हम पैसा दे रहे हैं सरकार को रोड बनाने के लिए, तो इतना तो यार हमारा राइट बनता है कि यार हम सरकार से भी एक अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करें। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं किस तरह से आपके और हेल्प कर सकता हूँ या वीडियो बना सकता हूँ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। टिल देन गुड बाय।